हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टैरो कंसल्टेंट रिचा और आज है वेडनेसडे और वादे के मुताबिक मैं लेकर आई हूं आपके लिए उन लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट जिनका लाइफ पाथ नंबर है 6। बात करें लाइफ पाथ नंबर 6 वाले लोगों की तो आपका जो फर्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट है वो ये है कि आप लोग खुशी से भरपूर होते हैं, हैप्पीनेस से भरपूर होते हैं। आपको खुश रहना अच्छा लगता है और खुशियां बांटना अच्छा लगता है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों को अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस कर देते हैं, अपनी बालों से इम्प्रेस कर देते हैं, अपने लुक से इम्प्रेस कर देते हैं, अपने ड्रेसअप से इम्प्रेस कर देते हैं और साथ ही साथ आपको अच्छा दिखना भी बहुत अच्छा लगता है। एंड यू आर समबडी हु वांट्स टू लुक यंगर एवरी टाइम यू स्टेप आउट ऑफ योर होम। और अगर आपको घर पे रहना पड़े किसी वजह से तो आप बहुत ही डिप्रेसिव हो जाते हैं, बिकॉज आपका जो बेसिक नेचर है वो है लोगों से मिलना जुलना या उनसे फ्रेंडशिप करना। अगर फोर्थ ट्रेट की बात करें तो वो ये है कि आपका जो ऑरा होता है इट इज वेरी रोमांटिक टाइप ऑफ ऑरा होता है। और चूंकि आपका ऑरा इतना रोमांटिक होता है, आप खुद इतने रोमांटिक एक हार्ट होते हैं, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग म्यूजिक लवर्स भी होते हैं। आपको गाने सुनना, म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपको मूड के हिसाब से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत एंजॉय करते हैं। फिफ्थ ट्रेट अगर आपकी पर्सनालिटी का बात करें तो ये है कि आप लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं। अटेंशन सीकर आप जहां पे भी जाए, अगर आपके लोगों का अट्रैक्शन अटेंशन नहीं जाता है तो आप अच्छा फील नहीं करते। यू वॉन्ट एवरीबडी टू लुक up to you and to talk to you and to come to you. इसी के साथ साथ आपको दूसरों की help करना भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके पास कोई help मांगने आता है तो वो आपके दरवाजे से कभी भी खाली नहीं जाता है। Talking about the next personality trait, आप में जो negative issues होते हैं वो होता है आपका गुस्सा और आपकी थोड़ी सी जेलेसी। जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो है आप लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं, तो अगर आपको अटेंशन नहीं मिले तो आप थोड़े गुस्से हो जाते हैं या फिर थोड़े से जेलस भी फील कर सकते हैं कभी कभी। आप लोग थोड़े जिद्दी होते हैं, यू आर अ लिटिल स्टबर्न। आपको अपनी बात मनवाना दूसरों से अच्छा लगता है या दूसरे वो करें जो आप चाहते हैं, ये आप ऐसा आपको करवाना अच्छा लगता है दूसरों से। साथ ही साथ आप फैमिली पर्सन होते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को हमेशा अपने साथ लेके आगे बढ़ते हैं, किसी को भी पीछे छोड़ देना पसंद नहीं करते हैं। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, जितना अटेंशन आप सीक करना चाहते हैं उतना ही अटेंशन आप दूसरों को देना भी जानते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट यू। जो प्रॉब्लम्स आपको होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनमें आता है डायबिटीज या फिर स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इस तरह का। अगर आप विमेन है तो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीठा कम खाइए, रोज वॉक करने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये थी पर्सनालिटी ट्रेट्स उन लोगों की जिनका लाइफ पाथ नंबर है नंबर 6। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप ये नहीं जानते हैं कि लाइफ पाथ नंबर किस तरह से निकाला जाता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है जहाँ पे मैंने लाइफ पाथ नंबर निकालना सिखाया है। आप वहाँ जाके वीडियो पे क्लिक करिए, देखिए। मेरे वीडियोस को अभी तक आपने बेल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन पे बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो आज कैसे कर दीजिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते हो सकता है और भी कोई इंटरेस्टिंग बात आपके लिए मैं लेकर आ जाऊं। तब तक के लिए